नमस्कार किसान भाइयों, अगर आपके घर पे खेत पे लाइट भी नहीं है और आप डीजल इंजन भी इस्तेमाल नहीं करना चाहते, तो यह है अपने सरकार की कुसुम योजना के तहत सब्सिडी पे लगे हुए सोलर पैनल। इस पे है 7 HP की मोटर और ये इधर है 5 HP की मोटर। तो इनमें आप 20 से 40 साल आप इनसे सर्विस ले सकते हैं आराम से, इनका कुछ भी नहीं बिगड़ने वाला। और अभी मैं आपको दिखाऊं, ये नीचे जो चल रही है ये स्प्रिंकलर चल रहे हैं पूरे खेत में, और ये एक और 5 HP मोटर लगी है और इसके पानी देख ली कितना पानी दे रही है। ये स्प्रिंकलर सारे उसमें सोलर पैनल से चल रहे हैं अभी, सोलर मोटर से। तो इसमें आप दो प्रकार के मोटर ले सकते हो, DC और AC। जैसे भी वो मोटर चल रही है वो DC है एंड ये DC है और ये AC मोटर है, ठीक है। तो DC मोटर का इसमें यही फ़ायदा है कि DC मोटर सुबह जल्दी चल जाती है और देर शाम तक चालू रहती है, जैसे शाम को 5 बजे तक, जब तक धूप, जब से सुबह धूप निकलती है जब से स्टार्ट हो जाती है और शाम को जब तक धूप रहती है जब तक चलती है। क्योंकि AC मोटर में ऐसा नहीं है, AC मोटर सुबह लेट निकलती है तेज़ धूप निकलने पर और शाम को भी जल्दी बंद हो जाती है, जैसे 4:30-4 बजे, क्योंकि तेज़ धूप चाहिए। क्योंकि AC मोटर का क्या प्रॉब्लम है कि पैनल अपने बनाते हैं DC पावर, और फिर जो इसके नीचे कन्वर्टर और स्टार्टर लगा हुआ है इसको, ये उधर लगा हुआ, इस कन्वर्टर को फिर DC को AC में बदलना पड़ता है। तो आधी पावर तो वहीं यूटिलाइज हो जाती है इसकी, DC को AC में बदलने में, इसीलिए फिर AC मोटर को कम पावर मिल पाती है, इसीलिए हमेशा DC मोटर लेनी चाहिए इसकी, ठीक है। और अभी ये कम से कम ये 7 की मोटर है, ये सब सारी 1 लाख की कॉस्ट में लग जाती है सब्सिडी विद सब्सिडी। अब अलग अलग स्टेट में अलग अलग सब्सिडी हो सकती है, ये हमारे राजस्थान की क्राइटेरिया बता रहा हूँ, राजस्थान की सब्सिडी का। ये सभी प्लेट लगी हुई सभी 1 लाख के अंडर, कोई 1 लाख से ऊपर लगी हुई है, ठीक है। आप अपने एरिया के डीलर से संपर्क करें, और ये बहुत सारी कंपनियाँ बनाती है, बहुत सारी अलग अलग कंपनियाँ, अलग अलग JN कंपनी हो गई, अपनी उषा हो गई, काफ़ी कंपनियाँ बनाती है, मोटर अलग कंपनी बनाती है, स्टार्टर अलग कंपनी बनाती है। अभी आप देख सकते हैं ये सोलर पैनल से चल रहे हैं, हमने जवार बो रखी है और ये भी गर्मियाँ चल रही है। इनसे आपको ना डीजल की खपत होती है ना लाइट की खपत होती है, खर्चा ख़त्म। यानी समझो कि 40 साल के अंदर अगर आपका बिजली बिल भी है तो कितना बिल बचा लेगी है, और डीजल बचा रही है तो कितना डीजल बचा लेगी है। अब जैसे मानो कि ये 3 मोटरें, इनके ऊपर डिपेंड है 100 बीघा ज़मीन, ठीक है। एक बार प्लाई में इनमें 1.5 लाख से 2 लाख का खर्चा आता था डीजल का, पहले जब ये नहीं थी पैनल। नीचे आपको दिखाऊंगा, नीचे अभी हमारे वो टर्बाइन लगे हुए डीजल के, डीजल इंजनों से पिला देते थे। तो देख लो इनको लगे हुए 5-5 साल हो चुके हैं, तो ये कितना आप काउंटिंग कर सकते हो कितना पैसा बचा चुकी है किसानों का। और आप भी लगा के कम से कम 40 साल तो बचत कर ही सकते हो, 40 साल एक पैनल की लाइफ होती है और 20 साल इनकी गारंटी होती है, टूट फूट होने पर भी ये वापस चेंज हो जाते हैं, कंपनी से इनकी गारंटी होती है, इंश्योरेंस होता है, वो आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं कि हवा आंधी भी उड़ जाएंगे टूट जाएंगे, वो वापस चेंज हो जाते हैं। ये अब ये चल रही है मोटर, ये सोलर पावर से चल रहे हैं सारे स्प्रिंकलर। ये आप भी लगवा सकते हैं अपने खेत पे, आजकल तो अपने घरों में भी सब्सिडी दे रही है गवर्नमेंट, घरों पे भी लगवाए और बिजली बिल से राहत पाओ, ठीक है। और इसको लगवाने का सारा सिस्टम है तो अपने एरिया के एग्रीकल्चर सुपरवाइजर और सोलर डीलर से मिलना पड़ता है, जो अपने खेती बाड़ी वाले सुपरवाइजर होते हैं गवर्नमेंट के, उनसे मिलना पड़ता है। ये मोटर ऑन है, ये चल रही है, ये मैं आपको दिखा सकता हूँ स्टार्टर में, ये देखिए भी इसका स्टार्टर रहा, ये भी 71 पे चल रही, 71 की पावर दिखा रही है अभी, इसका सारा सेटअप लगा हुआ। ये DC मोटर इसलिए इसमें ज़्यादा सेपरेट सेटअप नहीं है, तो एक बॉक्स है, और अगर यही AC होता तो इसमें थोड़ा ज़्यादा बॉक्स होते हैं कि पावर को, पावर आउटपुट को बदलने वाले हैं और काफ़ी। तो इसकी आप परफॉर्मेंस भी देख सकते हैं, ये 5 HP की मोटर लगी हुई है, 5 HP मोटर पर लगी हुई है, और पानी भी इधर दूर से आ रहा है नदी से, पानी भी काफ़ी दूर से आ रहा है। और इधर आप सब स्प्रिंकलर भी देख सकते हो किस फवारे चल रहे हैं, जो किस प्रकार से चल रहे हैं।
ठीक है। तो किसानों भी आप किसान लोगों से मेरा यही अनुरोध है कि आप भी जागरूक बने, ठीक है, और ऐसे जो अपने एडिशनल खर्चे हैं इनको बचाए, ठीक है, क्योंकि खर्च पहला पहली बचती बचत ही पहली कमाई होती है, मैं तो ये मानता हूँ, ठीक है, जो बचत है खेती में वही पहली कमाई है। तो ये एक बार पैसा लगाना होता है इन पे, और डीजल की बचत है और अपने लाइट की बचत है, लाइट लगाने की कोई जरूरत नहीं है, खेत में लाइट लगाने कोई झंझट खत्म सारी। और दूसरी बात, इसकी मोटर फूकने उकने का डर कम होता है, 99% मैंने चांस देखा कि हमारी भी इतनी मोटर लगी हुई, एक भी नहीं फूकी अभी तक, एक भी नहीं जली है मोटर, मैंने इनके स्टार्टर जले अभी तक, क्योंकि इनमें ओवरलोड पावर आती ही नहीं है, अपने जो सूर्य देवता है उसकी पावर ही आती है, तो बस लिमिटेड पावर होती है। पर यह है कि ये आजकल इन पर ये कॉस्ट कटिंग करने लग गए, पुराने वाले जो हमारे सोलर पैनल है वो ऑटोमेटिक सन के डायरेक्शन में घूमते हैं। अब ये वाले देखिए, इनको जैसे मैं सन की डायरेक्शन उधर है तो इधर इनको हाथ से पकड़ के घुमाना पड़ता है, इन वालों को ये ऐसे घूमते हैं यहाँ से, एक पोल लगा हुआ है कंपनी आजकल पता नहीं क्यों कॉस्ट कटिंग करने लगी है, जो हमारे एक 10 साल पुराना सोलर पैनल है वो ऑटोमेटिक पंप लगा हुआ उसमें ऑटोमेटिक सेंस करके सन के डायरेक्शन में घूमता है। इसमें क्या है कि इसमें ये समस्या है कि इसको अपने को सुबह जिस डायरेक्शन में होता है ना, शाम को उस डायरेक्शन नहीं रहता, अपने को घुमाना पड़ता है इसको उस डायरेक्शन पे, ठीक है, और घुमाएंगे सन डायरेक्शन तभी मोटर का स्पीड सेम रहेगी, RPM सेम निकालेगी, वरना पानी कम पड़ जाएगा। अब उस वाली मोटर में क्या है, जो हमारे पुराने वाली जो ऑटोमेटिकली घूमती है, जिसका ऑलरेडी मैंने शॉर्ट वीडियो बना के डाल रखा है, आप देख सकते हैं, वो ऑटोमेटिकली घूमती है, उसमें क्या सुबह से लेकर शाम तक मोटर स्पीड RPM सेम निकालती है, तो पानी भी सेम निकलता है। इसमें क्या अपने को दिन में 3 से 4 बार इसको सूर्य के डायरेक्शन में घुमाना पड़ता है, वरना मोटर स्लो पड़ जाती है, तो इनमें वो आदमी को एक बार इसमें क्या चलाने के बाद वापस आना पड़ता है देखने के लिए। वो पुराने वाले जो सोलर पैनल है ऑटोमेटिक घूमने वाले, उनमें एक बार चलाओ दोबारा देखने आने की जरूरत नहीं है, अपने को देखना ही नहीं है दोबारा, वो ऑटोमेटिकली वजह से ये घुमा रहा है, सन के डायरेक्शन में घुमाना पड़ता है इनको, ठीक है। थोड़ा इधर घुमा वापस, थोड़ा और वापस ले थोड़ा, ये छाया इसके नीचे रहनी चाहिए बराबर, बस ये इसका संकेत है, इसकी जो छाया वो आइड साइड में भाग रही है, मतलब ये सोलर के सन के डायरेक्शन में नहीं है, ठीक है। ये छाया पेड़ की भी छाया खुद के नीचे जब रहती है, जब उसके सर पे सूरज होता है, ठीक है, यही है इसका पता लगाने का तरीका। आप सूरज की तरफ मत देखो, इसको घुमाओ जैसे इसकी शेड हो, इसकी छाया ये बिल्कुल इसके मिड में है, बीच में है, ठीक है, तो ये पता लग रहा है कि सूर्य इसके बिल्कुल ऊपर आ रहा है। और अगर आपकी मोटर स्लो होती है तो इसकी थोड़ी सफाई कर दे, इसके साथ में आते हैं सफाई करने के इक्विपमेंट भी मोटर के, इसके साथ में आपको मोटर मिलेगी, रस्सा मिलेगा, ऊपर का मोटर वाला ब्लैक रोल वाला पाइप मिलेगा, काला PVC वाला पाइप मिलेगा, और ये स्टार्टर मोटर पूरा सेटअप ये आपको सब फ्री में साथ में मिलेगा, वायर भी मिलेगा मोटर का, सब आपको साथ में मिलेगा, बस आपको तो उसके आगे ये पाइप कनेक्ट करने और पानी ले जाना है। सब्सिडी से आपको किसानों को इस चीज़ का फ़ायदा लेना चाहिए, और ये एनवायरनमेंट फ्रेंडली भी है, दोनों तरफ से देखे जाए तो एनवायरनमेंट फ्रेंडली भी है, क्योंकि डीजल आपको पता ही है कितना महंगा हो चुका है, महंगाई बढ़ते जा रही है डीजल का, तो दिन ब दिन दाम बढ़ते जा रहे हैं, रेट बढ़ते जा रहे हैं डीजल के, तो ये एक जेब पे भी किसान के भारी नहीं पड़ता और एनवायरनमेंट फ्रेंडली भी हो गया, क्योंकि इससे ना तो पोल्यूशन होता है ना कोई झंझट, ठीक है। अब अपन लाइट लेंगे खेत पे तो वो भी एक तरह का एनवायरनमेंट फ्रेंडली नहीं है, लेकिन इस पे कोई भी एनवायरनमेंट फ्रेंडली है बिल्कुल, किसी को भी कोई नुकसान नहीं पहुंचाता है। बस इसको लगाने से पहले ध्यान रखें कि इसके आसपास पेड़ ना हो, मतलब इस पे किसी चीज़ की छांव नहीं आनी चाहिए, ठीक है, और लगवाने से पहले एक बार इंजीनियर से इसका डायरेक्शन मालूम कर ले कि किस डायरेक्शन में लगवाना है, ठीक है, खुद ना लगवाए इसके इंजीनियर से लगवाए, ताकि डायरेक्शन का पता रहे, ताकि बाद में अपनी मोटर लगवा तो लीजिए स्लो ना चले, ये ना चले, वो प्रॉब्लम सारी प्रॉब्लम ना आए। और सब्सिडी में आपको यहाँ राजस्थान में तो लाख रुपए में, 1 लाख से कुछ ऊपर, 1 लाख से कुछ नीचे में, 5 की मोटर, 7 की मोटर, 3 की मोटर, अब वो जैसे आप जितने HP की प्लेट ले रहे हो उतनी प्लेटें आएगी। जैसे देखिए इसमें है सोलर प्लेट्स, इसमें 20 सोलर प्लेट्स हैं, ठीक है, उधर वो है सोलर प्लेट्स, वो छोटी सोलर प्लेट, क्योंकि ये सोलर प्लेट्स भी अलग अलग वाट की आती है, तो हिसाब से वाट से आप ले सकते हो अलग अलग वाट की, और ये आप सिस्टम देख सकते हो, ये भी पूरा सोलर पावर से चल रहा है, अच्छा खासा पानी दे रहा है, इतनी तेज हवाओं में भी अच्छे से स्प्रिंकलर काम कर रहे हैं, ठीक है। जय किसान जय जवान।